हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सरस्वती और सरस्वती जी के सरस ब्लॉग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, चलिए आज आप लोगों को ले चलते हैं मानस मंदिर, जो बहुत ही अच्छे जगह पे है और बहुत ही बढ़िया मंदिर है। वहाँ पे आप जाओगे ना तो आपको बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, कोई वहाँ पे मानस मंदिर बोलता है? मैं कई ऑटो वालों से बात की, जब गाड़ी वालों से, तो कोई मानस मंदिर बता रहा था, कोई मणि मंदिर के नाम से बता रहे थे यहाँ पे, जब हमने कहा जहाँ पे 108 शिवलिंग स्थापित हैं। तो चलिए 108 शिवलिंग के भगवान का दर्शन करते हैं हम लोग भी, और अच्छे से मजे से सबका दर्शन करते हैं, अपने जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए 108 शिवलिंग भगवान शंकर जी की। तो चश्मा नहीं पहना पड़ा, ये कुछ लिखा हुआ है, एक मुनि जी बैठे हुए हैं, चश्मा नहीं पहना दिखा नहीं मुझे। और यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जो शिवलिंग भगवान जी हैं भोलेनाथ, यहाँ से स्टार्ट हो रहा, एक लाइन से बने हुए हैं, 108 बने हुए हैं। और जब एक लाइन से देखो ना, जब देखोगे ना तो आपको बहुत ही अच्छा लगता है। कभी आप जाओगे बनारस तो जरूर यहाँ पे जाइएगा। यहाँ आप लोगों के साथ शेयर करने का मेरा यही मकसद था फ्रेंड्स, कि हम लोग भी पहले नहीं जानते थे ना इसके बारे में, तो उतना इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन जब गए देखे तो ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया। और ये थे जैसे परशुराम जी, और यहाँ पे ये शीशे के अंदर बहुत सारे व्हाइट वाली जो जो लिंक है वो लगी हुई है यहाँ पे। तो देखिए, सब पे फूल माला चढ़ा हुआ है, और पूजा तो हुआ है। भगवान भोलेनाथ को सादगी ज़्यादा पसंद है, तो पूजा सादगी से हुआ है। भगवान राम जी, लक्ष्मण जी, और यहाँ पे माता जी, और राधे कृष्णा जी, सबकी एक एक मूर्तियाँ ना इतनी मनमोहक थी कि मानो कि ऐसे लग रहा था ना कि अभी पुकार देंगे हमारे नाम से। तो सबकी मूर्तियों को बहुत ही अच्छे लग रहे थे। और यहाँ पे देखिए, राधे कृष्ण जी भी स्थापित, अलग अलग भगवान भोलेनाथ जी, माता पार्वती, सबको देख देख के ना मेरा मन इतना अच्छा लग रहा था। लेकिन बट ये था ना फ्रेंड्स, हम लोगों को बहुत ज़्यादा जल्दी थी, और जल्दी के चक्कर में वो जैसे होता है ये चीज़ ना, फील कर पाना वो नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि इन्होंने ऐसे गाड़ी बुक करी थी कि जैसे कि हम लोग जा रहे हैं यहाँ से वहाँ जल्दी जल्दी से, उसके बाद वहाँ से भागते हुए आए, आरती हमारी छूटी जा रही थी। लेकिन आरती हमने जब कल भी नहीं देख पाए थे ना, तो मैंने कहा आज तो आरती देखेंगे ही जैसे भी करके, लेकिन बीच में घुसते घुसते आगे निकल गई थी मैं, और साथ में मेरे ये भी और बहनी भी, दोनों लोग, तीनों लोग, हम लोग आगे गए, और यहाँ पे सुंदर आरती हो रही थी। जब आरती हो रही थी ना, तो ये अलग सी फीलिंग आ रही थी यार, कुछ जैसे हो रहा, रिएक्ट हो रहा शरीर में, कुछ अच्छा लग रहा था। तो जब भी आप जाइए ना, तो एक रात जरूर रुक जाइएगा, आरती जरूर देखिएगा, आरती बहुत सुंदर लग रहा। और जो सामने दिख रहे हैं ना, ये सब पानी में नाव पे ही सारे लोग बैठे हैं, ऐसा लग रहा है सब जमीन पे कुर्सी लगी हुई है, बट ये जमीन पे नहीं है फ्रेंड्स, ये सारे पानी में ही आगे लोग बैठे हैं, इधर पीछे खड़े हैं हम लोग, और आगे जो लोग हैं ना वो बिल्कुल पानी में खड़े हुए हैं। तो आरती जरूर देखिएगा जब आप जाइएगा, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था आरती का, लेकिन पहले दिन तो मैं नहीं देख पाई थी, मैंने वीडियो में बताया था पहले। और ये अब ये आरती देख के हमारी ट्रेन है, उसके बाद हम लोग तुरंत निकल जाएंगे ट्रेन पकड़ने के लिए। अब यहाँ से भी भागना ही पड़ेगा, लेकिन चलिए कुछ खाएंगे पियेंगे, उसके बाद हम लोग निकल देंगे अपने घर के लिए। तो 2 रात बाहर रहना बहुत बड़ा मुश्किल, 2 नहीं 3 रात हम लोग बाहर थे। तो सारी जगहों पे बहुत ही अच्छे से घूमे फिरे, और उसके बाद चलिए अब हम लोगों का भी टाइम हो जा रहा है, आरती भी आप लोगों को दर्शन करवा दिए। और वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को जरूर लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करके ज़रूर हमें बताया करें हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है। और देखिए, इतने वजन वजन इसकी जो आरती करते हैं ना, वो बड़ा सुंदर सुंदर सब बना हुआ था, बहुत मेहनत से सब कर रहे थे आरती। और उसके बाद फ्रेंड्स, रात भर हम लोग ट्रेन के में सफ़र किया, और सुबह आ गए थे घर पे। लेकिन अब आ गए हैं तो पूजा पाठ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जुकाम भी बहुत ज़बरदस्त हुआ, अभी आवाज़ आप सुनोगे ना तो आप खुद ही समझ जाओगे कितना मेरा तबीयत ख़राब लग रहा था। लेकिन अब तीर्थ यात्रा से जब भी आओ ना, तो कुछ पूजा पाठ जरूर करना चाहिए। मैंने कहा तबीयत ख़राब, अगर पंडित जी को बुलाऊंगी तो मुझे ज़्यादा काम करना पड़ेगा, फिर परेशान हो जाऊंगी। चलिए छोटा सा हवन अभी कर देती हूँ, फिर बाद में देखा जाएगा कि क्या कर दूंगी। तो मैं क्या कर रही हूँ, हवन की सारे पूजा
वगैरह कर दिया है अंदर बाहर, और इसके बाद छोटा सा हवन करूंगी जैसे कि मंगलवार को करती रहती हूँ, तो थोड़ा सा आइडिया है कि हाँ कैसे करते हैं। और ये पंडित जी लोग करते हैं ना, तो मैं बहुत ही ध्यान से देखती हूँ और सुनती हूँ कि कैसे करते हैं सब, तो मतलब मिस्टेक का तो सवाल नहीं पैदा होता है, लेकिन ये है कि कभी कभी जीवन में ऐसे कुछ ध्यान इधर उधर होता है ना, तो हो जाता है गलतियाँ, पर कोशिश करती हूँ कि प्रभु गलती ना हो। अगर कोई गलती हो भी जाए, पूजा कर रहे हैं, भगवान अपने बच्चों को कभी सजा नहीं देते हैं, माफ करते हैं, तो पूजा जब तक नहीं में चारा नहीं जानत प्रभु दास तुम्हारा, तो कहते हैं ईश्वर जो हमें आता है, मैं तो यही बोल देती हूँ कि जो मुझे आता है प्रभु मैं वो कर रही हूँ, बाकी आप देख लीजिएगा, मैं तो यही बोलती रहती हूँ, मतलब जो भी मंत्र वगैरह है वो बोल देती हूँ, उसके बाद लास्ट में क्षमा याचना कर लेती हूँ, तो बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है। उसके बाद हवन हो गई थी और आरती कर लिया, और आरती के बाद आप लोगों से थोड़ा सा बातचीत भी करना चाहूँगी सामने से, कि मतलब तबीयत मेरा देखिए कैसा खराब हो गया है और गला भी खराब हो रहा है, तो चलिए आरती कर लेते हैं। तो अम्मा और बहनी आरती कर चुकी हैं और मेरी और इनकी बारी है, तो दोनों लोग साथ में ही कर लिए, आरती हमारी हो गई कम्प्लीट। नहीं, जय माता दी नहीं, आज जय बाबा विश्वनाथ जी महाराज, उन्हीं के नाम का मैंने हवन करी। जैसे कि हम लोग गए थे ना अभी काशी विश्वनाथ बनारस, तो अब जब कहीं से आते हैं ना, कहीं तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, तो थोड़ा सा हवन तो बनता है भगवान के नाम का। इतना बिना से जाते हैं, इतना ट्रेवल करते हैं, तो थोड़ा सा हवन तो जरूरी होता है। और मेरे बाबा बोलते थे ना, जब कहीं से तीर्थ यात्रा से आओ, अगर पंडित जी नहीं बुला पा रहे हो तभी कोई बात नहीं, आपको जो आता है अपने भाव से श्रद्धा से आप थोड़ा सा हवन जरूर कर दिया करो। तो वही मैं अपनाई हूँ, जब भी कहीं जाती हूँ ना तो इस तरह से छोटा सा हवन जरूर कर लेती हूँ। और पंडित जी वगैरह बुलाने में एक तो थके हारे आओ फिर नहीं हो पाता है, तो सुबह हम लोग पहुंचे 5 बजे, लेकिन आके ना वापस से मैं थोड़ा सा लेट गई, क्योंकि ट्रेन में ये था ना कि सब लोग स्कूल रहे थे, कि चोरी बहुत ज्यादा हो रहा, तो सामान के चक्कर में ये था कि भाई कोई बैग ही ना ले जाए, तो थोड़ा सा नींद कम आ रही थी तो सोए नहीं थे, तो आके लेट गए थे। उसके बाद थोड़ा सा झाड़ू पोछा पूजा वगैरह हो गया, थोड़ा सा हवन किया, तो फ्रेंड चलते हैं, बाकी और भी बहुत सारे काम है, और जो मैं देख के आई हूँ आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। तो चलिए अब आज का वीडियो यहीं पे एंड हो रहा है, क्योंकि सुबह जब हमें जैसे घूमने हम घूमने गए और आए, तो वो दिखाना मुझे जरूरी था, बताना जरूरी था, तो चलिए।